गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आपको ये देखिए हमारा प्यारा सा प्लांट है सन्सवेरिया डॉट, इसको मदर स्पंज के नाम से भी जानते हैं और इसके डिफरेंट वैरायटीज होती हैं। इसकी 13 वैरायटी वैरायटीज तो दोस्तों मेरे पास हैं। मेरा एक बीच वाला फ्लोर है, मैंने यहाँ कुछ जो मेरे पास रखे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये एक स्वर्ड वैरायटी टंग, मदर टंग इसको बोलते हैं। इसका आप देखिए, ये देखिए, ये इसका आप देख रहे हैं, एक ये वैरायटी का है, आप देख रहे हैं इसके बॉर्डर लाइन देख रहे हैं आप कितनी प्यारी सी है। देखिए इसके, ये देखिए बॉर्डर लाइन इसमें है। इसी की देखिए एक स्वर्ड वैरायटी बोलते तलवार की तरह से देखिए होती है, कि ये एक इसकी देखिए ये वैरायटी देख रहे हैं आप, बिल्कुल तलवार की तरह से रहती है और बिल्कुल छोटे से गमले में देखिए काफी अच्छी चल रही है। इसकी दोस्तों एक देखिए लोटस वैरायटीज होती है, ये देखिए अगर आप इसको ऊपर ऐसे देखेंगे तो आपको बिल्कुल लोटस की तरह दिखेगा। इसमें आप देखिए ये बिल्कुल इसकी पत्तियां जो है ना एकदम ब्राइट रेड और स्पंजी सकुलेंट वैरायटी की इसकी वो रहती है। रेड नहीं, किसने बोला है? हेलो, हाँ ये जो है ना आप देखिए ग्रीनिश ग्रीनिश लस ग्रीनिश शाइनिंग लिए हुए पूरी है पत्ती। इसके बाद दोस्तों ये आप देख रहे हैं इसकी एक दूसरी वैरायटी है, आप देखिए इसकी ड्वार्फ वैरायटी ये है और इसकी ड्वार्फ वैरायटी ये है और इसकी ड्वार्फ वैरायटी हमारे ऊपर रखी हुई है। तो आप देख रहे हैं ये देखिए पौधा है एक दूसरी वैरायटी का, इसके किनारे ये बिल्कुल लोटस, अभी आप जाएगा ऐसे करके ये ऐसे अंदर की तरफ बेंड हो जाएगा, मैं ऊपर रखा हुआ है मैं उसको दिखा, जैसे ये जाता है अंदर की तरह ऐसे बेंड हो जाता है आके, तो ये देखिए ये बेंड होता है, जैसे ये बेंड हो गया, ये लोटस वैरायटी का है। दोस्तों ये सन्सवेरिया ड्वार्फ है, ये इसके मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताता हूँ कि हमारे पास क्यूरी आई थी, लोग बता रहे थे कि ये हमारा पौधा मर जाता है। देखिए दोस्तों मर जाने का कॉज इसका एक ही कॉज हो सकता है कि जब हम इसकी मीडिया बनाते हैं, जब हम इसकी मिट्टी बनाते हैं, उस मिट्टी में जो है ना अगर हम पोरस नहीं होगी, पानी डालेंगे, पानी उसमें स्टे होता रहेगा, रुका रहेगा, नीचे से आप देख रहे हैं पानी नहीं निकलेगा, ये देखिए नीचे छेद है, देखिए पूरा पूरा, अगर ये पानी नहीं निकलेगा तो ये दोस्तों आपको कुछ दिन के बाद सड़ जाता। हालांकि व्यूअर्स मैं इसको वाटर में मैंने ग्रो किया है, हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा है, उसका पानी बदलते रहते हैं, उस पानी का और जो नीचे जो पानी रुक जाता है इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, इसी वजह से ये जो है ना आपका पौधा सड़ने लगता है। दूसरा है अगर ये बहुत ब्राइट लाइट में है रखे हुए, अगर आप इसको धूप में रखे हुए तो मैं आपको दिखाना चाहूँ इस तरह की पत्तियाँ हो जाती हैं, ये देखिए ये बहुत धूप में रखने से आप देख रहे हैं इस तरह की पत्तियाँ बर्न हो जाती हैं और आपका पौधा फिर भी इतना खूबसूरत नहीं लगता है जितना खूबसूरत आप उसको उम्मीद रखते हैं। ये देखिए इसमें होता ये है कि जब हमारी पत्ती ये थोड़ी पुरानी हो जाती है तो देखिए बॉर्डर लाइन थोड़ी एडवांस हो जाती है और जब ये थोड़ी सी नई निकलती है तो बॉर्डर लाइन इस तरह का रहता है। तो दोस्तों इसमें नेचुरली कुछ चेंजिंग आते रहते हैं। मैं इसी तरह का इसको भी दिखाऊंगा, देखिए कितना ब्यूटीफुल, देखिए कितना खूबसूरत ये चलता है। और दोस्तों इतना हार्डी प्लांट है, इसमें पानी की मात्रा जो है ना बहुत कम दी जाती है और 24 घंटे हमको ऑक्सीजन देते रहती है। ये इतना फ्री में इतना चीफ प्लांट्स रहते हैं कि जिस घर में जो है ना छोटे छोटी जगह रहते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रहती है, दोस्तों उस घर में हॉस्पिटल्स हैं, ऑफिसेस हैं, होटल्स हैं, ऐसी जगह पे इसको एक छोटे से कॉर्नर में आप देख सकते हो, इसको जगह दे सकते, देखिए एक छोटे से कॉर्नर में कहीं भी ये शिफ्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे काफ़ी अच्छे चलते हैं। दोस्तों ये इंडोर प्लांट्स होता है, इसको ब्राइट लाइट की जैसे खुली हुई रोशनी है उसकी ज़रूरत होती है, इसको बहुत ज़्यादा सन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसी ब्राइट लाइट से, इसी आर्टिफिशियल की छत पे लाइट लगी है सीएफएल वगैरह, उसी से ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस का रेसिपी पूरा करते रहती है और ये काफ़ी अच्छा चलता रहता है। अब हम इसको दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये बताएंगे कि ये जो है ना हम इसको क्यों प्रेफर करें, हम इसको क्यों हम इंडोर के लिए और भी सारे प्लांट्स इंडोर के लिए, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये देखिए हमारा प्लांट है, ये बिल्कुल गंदगी नहीं करता है, इसको जो है ना हमने देखिए बिल्कुल छोटे से पॉट में लगा रखा है और इसमें पॉट लगाने के बाद जब हम ऐसे इसको रख देते हैं ये तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। और दोस्तों जहाँ पर भी हम इसको रखते हैं उस एरिया की जो टॉक्सिन्स बॉडी रहती हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड रहते हैं, एल्डिहाइड्स हैं, कुछ कीटोन बॉडी है, कुछ प्लास्टिक से जो पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज रिलीज होती रहती हैं वो हमारे एटमोसफियर में जाती हैं, उसी सांस के थ्रू हमारे लंग्स में जाती हैं जो काफ़ी डेंजरस होती हैं,
उस केसेस में जो है ना हमारे ये पौधे क्या होते हैं, सारी टॉक्सिसिटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमको ऑक्सीजन देते हैं फ्री में। तो इसका एक बहुत मेडिकली बहुत बेनिफिट है। इसी तरह से दोस्तों अब हम इसके बारे में बता दें कि चलो इसकी मिट्टी हो गई है। अब नीचे आप देख रहे हैं, मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कुछ, इसमें से देखिए ये इस तरह की पत्तियां रहती हैं जो बाद में जो है ना फंगस के कारण ये सूख जाती हैं, खराब हो जाती हैं। मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये इस तरह की पत्तियां जो नीचे जो लटकी रहती हैं, ये देखिए ये सूख जाती हैं। अगर इसमें पानी की मात्रा थोड़ी रुकी रहेगी तो दोस्तों ये पूरा पौधा का पौधा सड़ जाएगा। मुझे भी मिल नहीं रहा, मेरा एक पौधा था जो है ना उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई थी दोस्तों, और वो पूरा हमारा पौधा ही सड़ गया था। तो मैं उसको सड़ा हुआ पौधा आपको दिखाना चाह रहा था कि इसके कैसे सड़ जाता है। वो नीचे से पूरा पूरा रोटेट हो जाता है, रोटेट होने के बाद उसमें दूसरी जो है ना वर्ड्स वो नहीं निकलती हैं, किलियाँ नहीं निकलती हैं, पत्तियाँ नहीं निकलती, तो काफ़ी ख़राब होता है। अब मैं एक नेक्स्ट बात इसकी दोस्तों करता हूँ कि हम इसको प्रोपोगेट कैसे करते हैं। दोस्तों ये हमारी देखिए लीव्स है, अगर हम इस लीव्स को यहाँ से कट कर देंगे, इस लीव्स को कट करके मान लीजिए हमने एक लीव्स इतनी बड़ी एक ले ली है, इसको मैंने चार पार्ट्स का कट कर लिए है। चार पार्ट कट करने के बाद हम इसको जो है ना अच्छी सी ड्रेनेज वाली मिट्टी में लगा देंगे, तो आप देखेंगे करीब 3 मंथ 4 मंथ के बाद वहाँ से एक नया पौधा तैयार हो जाता है। ये दोस्तों मैंने कट करके ही इसी से ही कट करके लीव से तैयार किया था, ये हमारा करीब 1 साल का प्लांट हो गया है, और इस साल के बाद आप देखिए कितना अच्छा सा ये ग्रो हो रहा है। बाकी दोस्तों जो मैंने आपको कुछ इसके प्रोपोगेशन के बारे में बताते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ से नीचे से ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए बेबी रूट्स निकलते हैं इसमें से, थोड़ा सा जड़ देखिए लिए हुए, ये बेबी रूट्स निकलते हैं। इस तरह के बेबी रूट्स जो है ना हम अगर जैसे हमारा कोई भी गमला रहता है दोस्तों, हम उस गमले में जो है ना इसको लगा देंगे तो कुछ दिन के बाद आप देखोगे ये काफ़ी अच्छा चलता है। ये देखिए मैं इसमें एक छोटा सा होल कर दूंगा, उस होल को जो है ना हम इसी में प्लेस कर देंगे, तो आप देखोगे कुछ दिन के बाद दोस्तों ये काफ़ी अच्छा यहाँ से ग्रो हो जाएगा। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए ये इसका इस तरह से ये प्रोपोगेट हो जाता है। इस तरह से ये काफ़ी एक से कई पौधे आप बना सकते हैं। इसी तरह से जो है ना बड़े प्लांट्स हैं दोस्तों, उसी तरह से बड़े प्लांट्स भी आप जो है ना काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए तैयार हो गया, इसको किसी छाया में रख देंगे, इसको 5 महीने 6 महीने के बाद आप देखोगे काफ़ी अच्छा ये ग्रो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। तो दोस्तों ये जो हमारा सेंसवेरिया ड्वार्फ का प्लांट है, ये सेंसवेरिया की देखिए स्वाड वेराइटी से, ये सेंसवेरिया की लोटस वेराइटी है। तो इसमें करीब 13 वेराइटी मेरे पास हैं जिनको मैं अलग अलग करके जो है ना सारा दिखाना मेरे पास संभव नहीं है, क्योंकि सब हमारे प्लांट फैले हुए हैं। मैं थोड़ा सा अपना गार्डन को देखिए दिखाना चाह रहा हूँ, कितने हमारे प्लांट्स इधर उधर रखे हुए हैं। ये देखिए सभी हमारे प्लांट्स रखे हुए, छोटे छोटे इंडोर प्लांट्स हैं। ये हमारी प्यारी सी चीबी है, ये भी अपना मौसम का आनंद ले रही है। बैठ जाइए। ये देखिए हमारी प्यारी पर्शियन कैट है, बहुत समझदार, बहुत सेंसिटिव है। तो दोस्तों ये एक हमारा छोटा सा एक वीडियो था सेंसवेरिया ड्वार्फ के ऊपर। इसको हम सबसे पहले जो आपको जो कुछ बेनिफिट्स बनाए हैं, केयर बताए हैं। अभी दोस्तों देख रहे हैं आप, मौसम हमारा काफ़ी ख़राब हो रहा है, सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो उस सर्दियां में हम क्या करेंगे इनके लिए दोस्तों। सबसे पहले हम इसको पानी की मात्रा जो है ना बहुत कम देंगे। आप देखेंगे अगर हमारे नीचे की जो टॉप लेयर्स है, मैं देख रहा हूँ कुछ नीचे से देखिए ये खराब, ये नीचे की टॉप लेयर्स है, जब ये हमारी नीचे की टॉप लेयर्स जो है ना 1 या 2 इंच बिल्कुल ड्राई हो जाएगी दोस्तों, तभी हम इसमें पानी देंगे, अदरवाइज हम इसको एकदम ड्राई रखेंगे। मैं इसमें से आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए सभी के सभी काफ़ी ड्राई हमारे पौधे हैं, ये देखिए काफ़ी ड्राई हैं। हम अभी इसमें पानी नहीं डालेंगे, जब थोड़ा सा और ड्राई होंगे तब उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। तो दोस्तों ये हमारा सेंसवेरिया पे था कि पौधे कैसे मर जाते हैं, उसकी रीज़न यही है कि पानी स्टोर हो जाता है, पानी नीचे निकलता नहीं है, उसके छेद ठीक से ठीक नहीं होते हैं, तो उस केसेस में ये हमारा बन जाता है, मर जाता है। बाकी दोस्तों ये छोटा सा वीडियो हमारा सेंसवेरिया ड्वार्फ के ऊपर था। ये आपको हमारा कैसा वीडियो लगा है, प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मेरा चैनल सम्यक टेरिस गार्डनिंग है, तो पहले भी काफ़ी व्यूज हमारे दोस्तों देखते रहते हैं, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर हैं, और जो हमारे नए से जो आज मेरा पहले वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, घंटी जरूर दबा दें, जिससे जो भी हम कोई नया वीडियो आपके लिए बनाएं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है इसके बारे में, कोई रिलेटेड हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं तुरंत उसका आपको आंसर दूंगा। तो मैं वीडियो करता हूँ अभी बंद करता हूँ। सभी का दिन अच्छा हो, शुभ हो, मंगल हो। नमस्कार।